प्रचार प्रसार सिर्फ आज भर किया जाएगा। तो हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में जो इस मेला में शिरकत होने वाले थे, राकेश सिंह चेरो जी जो मनिका विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, इनका गुब्बारा छाप पहचान मिला है। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूंगा, ये ऐसे जुझारू उम्मीदवार हैं जो हमेशा जनताओं के लिए तन मन धन से हमेशा एक को सहयोग करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलने के काम करते हैं। अभी राकेश सिंह चेरो जी के द्वारा मूल्यांकन किया गया और साथ ही साथ कई यहां पर सामाजिक कार्यकर्ता आए हैं, उनके साथ आपके समक्ष दो दो मिनट में संक्षिप्त रूप में वक्तव्य करेंगे। जो मनिका विधानसभा क्षेत्र की समस्या है, वो समस्या जो धरातल में विकास होना चाहिए तो आज तक रुका हुआ है, उसे विकास की ओर किस तरह से ले जाएंगे राकेश सिंह चेरो जी। मैं यहाँ की लोगों को राकेश आप में युवाओं का भरोसा है, पूरा भरोसा है, जब जीत करके आएंगे जो धरातल पर जो पिछड़ा हुआ विकास कार्य है उसे पूर्ण रूप से आगे ले जाने के काम करेंगे। धन्यवाद विनय जी। पलामू किला के पावन धरती पे मेला समिति के सभी अधिकारीगण एवं मनिका विधानसभा के सभी ग्रामीण जनता एवं अभिभावक एवं तमाम नौजवान साथियों, स्थानीय तौर पर रोजगार देने का काम करूंगा मैं, हर एक पंचायत में एम्बुलेंस देने का काम। जोहार, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 100 साल पहले से जहाँ तक हमारी जानकारी है कि पलामू किला में जो है कि ऐतिहासिक मेला लगते आया है और यहाँ का कमेटी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इस मेला को समापन कराने में और शांतिपूर्वक मेला लगाने के लिए। तो मैं अपनी ओर से सबसे पहले कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट करके अच्छा से समापन हुआ। हमें टाइम दिया गया था, हम नहीं आ पाए किसी कारणवश, उनके मैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो जैसा कि विनय जी बताए कि चुनाव का आखिरी समय है, तो मैं मनिका विधानसभा वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पिछले 25 सालों में सिर्फ 2 विधायक देखने का काम किए होंगे, तो जैसा कि हमारे समाज से रामचंद्र बाबू को भी 3 बार मौका मिला और हरिकृष्णा जी को भी 2 बार मौका मिला मनिका विधानसभा नेतृत्व करने का, लेकिन कहीं न कहीं जो विकास मनिका विधानसभा में दिखाई देना था वो विकास दिखाई नहीं दिया। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि एक बार हम पे आप लोग भरोसा करके मनिका विधानसभा का नेतृत्व करने का मौका दे। निश्चित रूप से मैं मनिका विधानसभा का विकास का एक नया लकीर खींचने का काम करूंगा। अब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मनिका विधानसभा चुनाव और पंचायत पहले मनिका विधानसभा का मूल सुविधा की समस्या को मैं अध्ययन करके स्टडी करके आया था कि मनिका विधानसभा को क्या चाहिए, मनिका विधानसभा में क्या परेशानी है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मनिका ही एक झारखंड का ऐसा आदिवासी विधानसभा क्षेत्र है कि यहाँ से हर एक साल 20,000 नौजवान दिल्ली, पंजाब, मुंबई और हैदराबाद पलायन करने जाते हैं। पूरे मनिका विधानसभा में 40,000 ऐसे महिलाएं हैं जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पे बैठे हुए हैं। अगर एक नेता के तौर पे इच्छा शक्ति हो, एक विधायक के तौर पे, तो बिल्कुल मनिका विधानसभा के अंतर्गत महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ा जा सकता है और नौजवानों को भी प्लान रोका जा सकता है। तो सबसे पहले मैं अगर चुनाव जीतूंगा मनिका विधानसभा से तो नौजवानों को प्लान रोकने का काम करूंगा और स्थानीय तौर पे प्रखंड स्तर पे नौजवानों को रोजगार देने का काम करूंगा। हर एक पंचायत में स्वास्थ्य के प्रति मैं एक एम्बुलेंस देने का काम करूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा शिक्षक का बहाल करूंगा अपना विधानसभा के अंतर्गत में। हर एक पंचायत में एक स्टेडियम का निर्माण करूंगा जिससे खेल से हमारा प्रदेश का, हमारा देश का नाम रोशन करे, हमारा गांव का नाम रोशन करे यहाँ के ग्रामीण। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपना अगर जो भी मैं घोषणा कर रहा हूँ नहीं पूरा कर पाता हूँ तो 1 साल के अंदर अपने विधायकी पद से इस्तीफा दे दूंगा। अगर पब्लिक के बात पे मैं खड़ा नहीं उतरा तो 1 साल के अंदर
मैं अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। इसलिए मैं आप नौजवान साथी से चाहेंगे कि एक बार मुझे मनिका विधानसभा का नेतृत्व करने का मौका दे। निश्चित तौर पे मनिका विधानसभा झारखंड का नंबर वन विधानसभा बनाने का काम करूंगा। तो क्या आप लोग उम्मीद रखे एक बार हमें सहयोग करेंगे? बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नौजवान के हाथ में बागडोर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो बिल्कुल आगे भी कार्यक्रम है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। और कुछ लोग हैं हमारे बीच मौजूद जो दो चार बात रखेंगे। धन्यवाद। मैं संतावना दिया। अगला वक्ता के रूप में मैं राकेश जी की कार्यकर्ता से मैं जानने के कि उनका भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। तो कहीं न कहीं इस यात्रा मेला का बहुत बड़ा योगदान है। महाराजा पृथ्वीराज जी के जो धरोहर है, यहाँ से बहुत ऐसे कारण यहाँ छुप करके है जो युवाओं को आगे ले जाने में हर संभव प्रयास करते रहता है। मैं कोषाध्यक्ष महोदय से चाहूंगा अभी दो सब से यहाँ की समस्या को अवगत कराएंगे और हमारा जो ये धरोहर है, इस धरोहर को कैसे बचाए रखेंगे, इस पर थोड़ा तो सब प्रकाश डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। जैसा हम लोग को मनिका विधानसभा क्षेत्र में नेता की आवश्यकता है, वैसा ही मुझे राकेश जी के अंदर मनिका विधानसभा क्षेत्र को नेतृत्व करने वाले नेता हमको नजर आ रहे हैं। जैसा कि इन्होंने अभी बोला कि हर हॉस्पिटल में एम्बुलेंस देंगे, हर पंचायत में स्टेडियम देंगे, इसका बहुत जरूरत है। और एक बात उन्होंने और बोले कि जितने भी लोग पलायन करते हैं उनको रोकने का ये काम करेंगे, ये भी काम बहुत अच्छा है। हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग जितना हो सके भारी से भारी मतों से इनको वोट दें और इनको विजय बनाने का कार्य करें। हम इतना ही करते हैं। नौजवानों को सोच और विचार था कि हमें रोजगार चाहिए, हमें युवा विधायक चाहिए। तो आज कहीं न कहीं महाराजा पृथ्वीराज जी के पवन पवित्र धरती पर युवा साथी का आगमन हो चुका है। इस बार 2024 के प्रचंड उम्मीद है लहरेगा। मैं अगला वक्ता के रूप में जत्रा मेला समिति के अध्यक्ष प्रदीप सिंह खेरो जी से चाहूंगा आप भी यहाँ की ग्रामीण की समस्या है उसे विधायक प्रत्याशी को अवगत कराएंगे। प्रदीप सिंह खेरो जी प्रमुख किला जत्रा मेला अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी कि आप मेरे को इतना बोलने का मौका दिया गया। मैं विधायक जी से उम्मीद करता हूं कि यहाँ की जो भी समस्या है वो पूरा करने में काम करें और हमारे नौजवान साथियों आग्रह करता हूं कि हमारे मनिका विधानसभा क्षेत्र अभिषेक सिंह कुरी राकेश जी को वोट देकर विजय बनाने में सहयोग करें। इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूँ।